ठीक है, मैं आगे से लेफ्ट साइड में गया। यहाँ पर देखिए, अभी मैं यहाँ पर गाड़ी को खड़ा करूँगा। मैंने हॉन्किंग किया, टायर को देखा मैंने, भाई रॉन्ग साइड से ये इंसान आ गया, तो मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ा। यहाँ पर देखिए गैप, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट से काफ़ी बाहर है। बैरिकेड गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तब सबसे ज्यादा आपको दिक्कतें होती है गाड़ी का जजमेंट से लेके। जजमेंट बहुत तरह का होता है, जैसे फ्रंट जजमेंट, रियर जजमेंट, लेफ्ट साइड जजमेंट, राइट साइड जजमेंट। तो दोस्तों, ये सारे जजमेंट में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है लेफ्ट साइड जजमेंट करने में। खास करके हम लोग जो इंडिया में राइट हैंड साइड स्टीयरिंग होता है, वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर गाड़ी का पहिया जाता है वो एग्जैक्टली कौन सा जगह है और एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस छोड़ के हम गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं, ये डिसाइड करने में दोस्तों शुरू में हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा ड्राइविंग करते हुए कि किस तरह से मैं गाड़ी का लेफ्ट एंड राइट साइड का जजमेंट करता हूँ और बहुत ही सेफली गाड़ी को किसी एक जगह से निकलता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड है और ये है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील का 9 o'clock का पोजिशन, ये है 3 o'clock का पोजिशन, ऊपर है 12 एंड नीचे 6 o'clock का पोजिशन। 9 o'clock और ये 3 o'clock का पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस जगह पे आके ये स्ट्रेट लाइन खत्म होता है। कुछ कुछ कार में बोनेट जहाँ पर दिखता है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं बोनेट का मिडिल में जाके वो स्ट्रेट लाइन खत्म होता है। तो यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये जो वाइपर ब्लेड का नकल दिख रहा है, यहाँ पर जाके ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो रहा है। और इस पॉइंट से दोस्तों मैं चेक करके देखा हूँ, इस पॉइंट से गाड़ी का लेफ्ट पहिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो राइट साइड में मैंने एक स्टिकर अटैच किया हूँ, मैं समझाने के लिए किया था, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन जाता है वो ये स्टिकर के साथ मीट करता है। यहाँ पर देखने में थोड़ा इधर उधर आपको लग सकता है, बट बेसिकली ये 3 o'clock का पोजिशन से जो स्ट्रेट लाइन जाता है दोस्तों, यहाँ से गाड़ी का राइट साइड का पहिया चलता है। अब आप पूछेंगे कि राइट साइड का पहिया, लेफ्ट साइड का पहिया कहाँ से चलता है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। अभी इसके मदद से हम कैसे गाड़ी का लेफ्ट राइट साइड का जजमेंट करेंगे? तो दोस्तों, लेफ्ट साइड का पहिया और राइट साइड का पहिया कहाँ से चलता है ये जानना बहुत जरूरी होता है, खास करके शुरुआत में। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड का पहिया होता है तो डैशबोर्ड का मिडिल में कहीं पे अगर आप किसी को पकड़ के चलेंगे, जैसे यहाँ पर ये ब्लू व्हाइट कलर का फेंसिंग है, रेलिंग है, वहां पर देखिए ये डैशबोर्ड का मिडिल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लेकर दिखा रहा हूँ, देखिए ये कितना दूर है, कम से कम 3 फुट का गैप में है। तो दोस्तों, ये 3 फुट का गैप आप सेफ मान के चल सकते हैं। रनिंग में अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं, किसी एक लोगों को ओवरटेक करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 से 3 फुट गैप छोड़ के ओवरटेक कीजिए, क्योंकि वो अगर मूव करता है तो वो 2 से 3 फुट गैप आपको हेल्प करेगा जरूरत के मुताबिक आपको मैनूवर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली ड्राइविंग करके मैं किस तरह से राइट एंड लेफ्ट साइड का जजमेंट करता हूँ, और खास करके ये जो रेफरेंस पॉइंट दो है, ये रेफरेंस पॉइंट के मदद से मैं किस तरह से सेफली गाड़ी को किसी एक जगह से मूव कराता हूँ। देखिए, मैं अभी सीधा जाऊंगा, ठीक है। सामने ये ऑटो रिक्शा है, यहाँ पर देखिए गैप, देखिए भाई रॉन्ग साइड से ये इंसान आ गया, तो मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ा। यहाँ पर देखिए गैप, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट से काफ़ी बाहर है, तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से इनको ओवरटेक कर लिया। देखिए यहाँ पर काफ़ी गैप है, ठीक है, ये काफ़ी दूर है, मिडिल पॉइंट से काफ़ी दूर है, तो मैंने इनको यहाँ पर बहुत ही आसानी से ओवरटेक कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट है गैप समझना, अगर आपको लगता है कि गैप ठीक ठाक है तो आप वहाँ पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है गैप कम है, यहाँ पर देखिए रोड में पोर्टहोल से, ठीक है, यहाँ पर सिग्नल हो गया तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से रुक गया। सामने देखिए रेड सिग्नल है और राइट साइड में एक बैरिकेड है, ठीक है। तो मैं देखिए गाड़ी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्लेस किया। अभी देखिए लेफ्ट साइड में ये जो छोटा हाथी है वो आगे निकल जाएगा, ये टैक्सी भी निकलने का कोशिश करेगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर गैप, देखिए निकल गया उस साइड में, अभी ये छोटा हाथी मेरे लेन में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने थर्ड गियर में एंगेज किया और लेफ्ट साइड में आ गया। अभी देखिए मैं इधर से निकलूँगा, ठीक है, सिग्नल अभी ग्रीन है तो
निकलना है, यहाँ पर सीधा निकल गया। यहाँ पर एक स्लो गाड़ी जा रहा है और लेफ्ट साइड में वैन है, तो मैं इनको एक बार डिपार किया और देखिए यहाँ पर मैंने किस तरह से इनको ओवरटेक करूँगा। ठीक है, ये काफ़ी दूर था, कैसे पता चला मुझे, ये रेफरेंस पॉइंट देख के पता चला। जब मैं चला रहा था तब लग रहा था शायद बहुत नज़दीक है, बट वो काफ़ी दूर था। अभी देखिए यहाँ पर ये ट्रैक्टर आ गया। ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस था तो मैंने थोड़ा स्लो डाउन किया था और उसके बाद मैंने देखा वो राइट साइड में चला गया, तो तब मैंने राइट साइड में लेफ्ट साइड से उनको ओवरटेक किया। देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा कॉन्जेशन है, मैं ये टैक्सी कैब को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड का जजमेंट किया मैंने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर देखिए सामने ये स्लो गाड़ी है, तो मुझे इनको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सेकंड गियर में एंगेज कर दिया था, उसके बाद मैं ग्रेजुअली लेफ्ट साइड में आ गया। देखिए ये लेफ्ट साइड में काफ़ी दूर है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैंने लेफ्ट राइट साइड का जजमेंट किया। दोनों साइड का जजमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, अदरवाइज राइट साइड से अगर आपको जजमेंट ठीक से नहीं आता है तो राइट साइड से आपका इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए ये अभी दूर है, लेफ्ट साइड का जजमेंट किया मैंने, अभी मैं इधर से जाऊंगा। ये गाड़ी स्लो है, ये दोनों गाड़ी स्लो है, मैं थर्ड गियर में एंगेज कर दिया। ठीक है, बैरिकेड गाड़ी बराबर से जजमेंट हुआ। अभी देखिए सामने ये बस जो चल रहा है ये स्लो चल रहा है। ठीक है, अभी मुझे इनको राइट साइड से ओवरटेक करना पड़ेगा। मैंने हॉकिंग किया, टायर को देखा मैंने, बराबर से जजमेंट हो गया। ये सामने ये बस है। ठीक है, अभी यहाँ पर जजमेंट करना पड़ेगा, काफ़ी जगह है, ये गाड़ी निकल गई है, बट बस के सामने ये ऑटो रिक्शा है। अगर बस यहाँ पे स्पीड अप करता है, देखिए ही इज़ ट्राइंग टू गो टू राइट साइड बिकॉज ऑफ दैट ऑटो रिक्शा, और ये भाई साहब स्लो चल रहा है। ठीक है, तो मैंने इनको ओवरटेक नहीं किया। ठीक है, मैं जो सोचा था वही हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ऑटो रिक्शा ये बस राइट साइड का लेन में आ गया। देखिए अभी लेफ्ट साइड से ऑटो रिक्शा आएगा। ठीक है, स्लो मूविंग ऑटो रिक्शा, उसकी वजह से बस को राइट साइड में आना पड़ा। यहाँ पर भी और एक स्लो मूविंग व्हीकल है, देखिए मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी। अभी देखिए उधर एक वैन है। ठीक है, अभी मुझे लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर गाड़ी को खड़ा करूँगा, रेड सिग्नल है, मैंने कुछ इस प्रकार से गाड़ी को खड़ा किया। देखिए यहाँ पर कॉन्जेशन है, ये बस धीरे धीरे इस साइड में आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मुझे वहाँ पर क्विकली निकलना पड़ा। टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह पे आप स्लो नहीं जा सकते, कुछ कुछ जगह पे आपको क्विक होना पड़ेगा। देखिए ये भाई साहब इधर जा रहा है, तो मैंने इनको इस साइड से ओवरटेक किया। ठीक है, मिनी बस इधर से धीरे धीरे राइट साइड में आ रहा था, तो जब भी आप देखेंगे बस कहीं पे खड़ा है और वो स्टार्ट किया है, बस का टेंडेंसी होता है धीरे धीरे राइट साइड में आना। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट साइड में जाऊँगा, लेफ्ट साइड में सिग्नल ऑन है, ग्रीन सिग्नल है। देखिए तो मैं यहाँ पर रोड मार्कर फॉलो करूँगा। देखिए रोड के बीच में थोड़ा खराब जगह है, यहाँ पे एक मैनहोल का ढक्कन है। यहाँ पर देखिए ये गाड़ी राइट साइड में आने वाला था, तो मैंने इनको डिपर किया तो ड्राइवर को पता चल गया, तो इसलिए वो राइट साइड में नहीं आया। अभी मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना चाहता हूँ,
ये बस ठीक है, मैं आगे से लेफ्ट साइड में गया। यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट साइड का जगमेंट रोड यहाँ पर खराब है, तो मैं एक नंबर गियर में यहाँ पर चला रहा हूँ। जगह जगह पे ब्रोकन रोड है। और राइट साइड में देखिए ये बस है, ये जो लाइन है इस लाइन से बाहर है, तो इधर से मैं आसानी से निकल जाऊँगा। ज़्यादा लेफ्ट साइड में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रोड थोड़ा ख़राब है उधर। अभी मैं लेफ्ट साइड में जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से आगे निकल गया। अभी देखिए सामने ये बस है और उसके सामने वो वैन है। ठीक है, अभी देखिए वो लेफ्ट साइड में नहीं गया, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में कुछ है। तो देखिए दो इंसान चल रहा है लेफ्ट साइड से, और इधर एक छोटा सा बाइक है, शायद खराब हो गया। अभी मैं सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट किया, यहाँ पर स्पीड 20 के आसपास हो गया था। अभी देखिए मैं इनको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करूँगा। ठीक है, देखिए ये जो रिक्शा है ये पॉइंट से काफ़ी दूर है, देखिए ये ओवरटेकिंग अटेम्प्ट ले रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने इनको इस प्रकार से ओवरटेक किया, इधर से नहीं जा पाएगा। ठीक है, बस इस तरफ हो गया तो मैंने इधर से नहीं गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर दीजिए, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।